हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो नंबर 12 नंबर वीडियो, 12 नंबर ये वीडियो है। इसके पहले 11 वीडियो बन चुकी है। तो जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं या फिर कोई वीडियो छूटी हुई है आपको, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आप वीडियो को रिवाइज करें। और ये वीडियो नंबर 12 है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, या वो अटल बिहारी एबीबीएमयू यूपी में, जो है एबीबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में बीएससी नर्सिंग कंडक्ट कराती है यूपी में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, या फिर आप एम्स देने जा रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग, या फिर आप आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आपके आरयूएचएस राजस्थान में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर छत्तीसगढ़ बिहार कोई भी स्टेट हो, अगर बीएससी नर्सिंग की आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे पूरी आपकी सिलेबस कंप्लीट की गई है 2020 से 21, 22, 23 चार साल प्रिपरेशन करा दी गई है। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो रिवाइज कर लीजिए। वन मंथ का समय में 45 डेज का समय प्रोवाइड किया था, जिसमें से आपके समथिंग में लगभग 20 से 25 दिन आपके बचे हुए हैं। 20 दिन मान लीजिए बचे हुए हैं, 20 दिन के बाद न्यू क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। लेकिन वही है, जो स्टूडेंट मेरे चैनल के थ्रू एकदम फ्री में देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो पहले 750 वीडियो आप ज़रूर रिवाइज करके आएंगे मेरे चैनल पर। मैं 750 वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूं, और वो भी जो पेड थे वो भी फ्री कर दिया हूं। तो आप 750 के वीडियो आप टोटल जाके रिवाइज जरूर करें, पहले रिवाइज करें, फिर न्यू जब सेशन शुरू होगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप बेस्ट कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए हैं कि नहीं, कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है कि नहीं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्या रिड्यूस किया गया सिलेबस जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हैं, तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है कि नहीं। देखिए, कुछ सब्जेक्ट कुछ चैप्टर जो हैं एनसीईआरटीज में रिड्यूस किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इतना अधिक तो नहीं रिड्यूस किया गया ना, कि आप उसी को लेकर परेशान रहें कि इतने सब्जेक्ट कौन कौन से सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। तो इतना कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है कि आप उससे परेशान हैं। तो आप सिर्फ अच्छे से प्रिपरेशन करें, और सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने कराई है, तो सिलेबस से बाहर चीज़ें नहीं कराई गई हैं। न्यू एनसीईआरटी आप पैटर्न फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक आप फॉलो करें, हो जाएगा सिलेक्शन। ये देखिए, और आप जो बुक बताई गई है ना, वो बुक आप परचेज कर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि बुक्स लें कि ना लें, कि कहीं और चैनल ज्वाइन कर लें वहाँ से पढ़ाई कर लें। तो देखिए, चैनल कहीं से ज्वाइन करें लेकिन बुक्स आपके पास होनी चाहिए। लास्ट में कहीं भी आप चैनल ज्वाइन करेंगे, लास्ट में मेरे पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि यार इतने अच्छे से करा देंगे ना। कहीं पे आप भी चैनल ज्वाइन कर ले रहे हैं ऑनलाइन, कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बार जाके मेरे चैनल पे 10 से 15 वीडियो आप रिवाइज करें ना, फिर उनकी क्वालिटी और मेरी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पता चल जाएगी कि किसके बेस्ट हैं, कितने समय में कितना कौन अधिक आपको प्रोवाइड कर देता है कॉन्सेप्ट और मैटर, वो आपका मैटर करता है। देखिए, आप कहीं से भी तैयारी करें किसी भी चैनल से, तो लेकिन आपको समझ में चीज़ें आएंगी, समझ में चीज़ें आनी चाहिए। जहाँ से समझ में आए वहीं उसी चैनल पे आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और किसी भी चैनल से तैयारी करें वहाँ पे से विश्वास करें, तो अच्छा चैनल ज्वाइन करें जो भी चैनल हो। आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे चैनल के थ्रू करना चाहते हैं तो 100% सिलेक्शन की गारंटी तो रहेगी, लेकिन आपको तीन चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बुक्स लेनी पड़ेगी, 750 वीडियो रिवाइज करनी पड़ेगी, फिर जब न्यू सेशन शुरू करेंगे तो आपका न्यू सेशन शुरू करेंगे वो वीडियो देखेंगे, फिर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, जो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना सिलेबस को, वो सिलेबस जो अच्छे इंपॉर्टेंट जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिलेबस देख लीजिए, चैप्टर रिड्यूस किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, एक क्वेश्चन वहाँ से पेट क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, 12th एनसीईआरटी में जाएंगे फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है, तो सिलेबस से नहीं है ना, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन या लाइफ स्पान से क्वेश्चन हमेशा आते थे, अभी इस बार भी आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई। तो आप सिलेबस रिड्यूस के ऊपर ना देखें यार। देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की, तो यहाँ पे यार एकदम एनसीईआरटी देखिए एकदम डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपको सिलेबस के ऊपर अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एकदम बेसिक पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं जनरल साइंस। इसीलिए तो मैंने बताया है कि ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक ले लीजिए, एक रेनबो पब्लिकेशन की बताया है वो ले लीजिए, रेनबो पब्लिकेशन ऐसे आप लिख सकते हैं, रेनबो पब्लिकेशन आप सर्च करिए ना, शायद मैंने उस पर डाल दिया है लिंक,
आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, या फिर आप शायद उस पर फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, ऑनलाइन मिल जाएगी रेनबो पब्लिकेशन की, तो वो बुक परचेज कर लीजिए। दो बुक तो आप परचेज करिए, तीन बुक मैंने बताई है। कौन कौन सी बुक? एक ल्यूसेंट की आप जनरल नॉलेज ले लीजिए, 2024 की जनरल नॉलेज आ रही है वो ले लीजिए। फिर एक बार एक और आपको जनरल साइंस की लेना है, जनरल साइंस की ले लीजिए, जनरल साइंस की, और एक आप रेनबो पब्लिकेशन की ले लीजिए। और इतनी वीडियो जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, सिलेबस के पीछे मत भागिए। अगर आप ओनली बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस के लिए, और फिर आप ये भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो आपको सिलेबस से कोई मैटर नहीं है, आप अच्छे कर जाएंगे। तो बस इतना ही है, आपको कंपटीशन अच्छा कंपटीशन है, आपको नीट वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनसे आपका कंपटीशन है, तो आप अच्छे से पढ़िए। लगभग 6 से 8 घंटे डेली का रूटीन बना लीजिए और डेली अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तभी सिलेक्शन होगा भाई। जब नोट्स बनाएंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे और बुक्स परचेज करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, हर एक अच्छे से पढ़ेंगे, तभी तभी सिलेक्शन होगा। भागने से कुछ नहीं, काफ़ी स्टूडेंट अभी इधर खेल कूद रहे हैं, अभी इधर उधर भटक रहे हैं, लास्ट में आएंगे फिर कहेंगे सर मेरा ये करा दीजिए। अब वही क्वेश्चन कराइए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन कराइए ही नहीं, तो ऐसे ऐसे कमेंट फिर आते हैं, लास्ट में मज़ा भी आएगा, कमेंट देखने में लास्ट में मज़ा आता है। ऐसे भटकते हैं ना कि लगता है कि एग्ज़ाम मुझे ही देना है, अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, सब हाथ पैर फूल रहे हैं, कुछ करना नहीं है। तो अभी से जो ज्वाइन करेंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। 130 आप 130 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में अटल बिहारी में वाजपेयी में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, 200 में से 130 के ऊपर क्वेश्चन सही करने का एकदम आप सोच लीजिए, 130 के ऊपर ही सही करना है, कोई भी कैटेगरी हो, OBC जनरल ST कुछ भी हो, तो 130 सही करिए, सेव रहेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी का तो नीचे भी हो जाएगा, लेकिन 130 का टारगेट बना के चलिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इतना हो जाएगा, मेरे चैनल से तैयारी करेंगे तो 200 में से 160 क्वेश्चन का मैं क्या कहते हैं एकदम क्लियर करता हूँ कि 160 क्वेश्चन आएंगे। वीडियो से क्वेश्चन मिलते हैं 150 प्लस 160 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, बट आप क्वेश्चन वहाँ गलत नहीं करेंगे। गलत कब क्वेश्चन हो जाता है? जब आप रिवाइज नहीं करते हैं, बार बार नोट्स बना लेते हैं उसको रिवाइज नहीं करते। काफ़ी स्टूडेंट तो नोट्स भी नहीं बनाते हैं, इतने मतलब वो कहते नहीं हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं या फिर आप कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नोट्स जिसको लगे कि ये चीज़ मुझे भूल जाएंगे तो उसको लिखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें बताएंगे। ये देखिए, ये बुक मैंने बताई है जनरल साइंस की है, ये बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका GK का जनरल नॉलेज की बुक, और मैंने वो दिखा देता हूँ रेनबो पब्लिकेशन वाली, वो भी बुक दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये रेनबो पब्लिकेशन की जो बुक मैंने बताई है यही बुक है, इसको भी आप परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन परचेज करिए, ऑफलाइन, लेकिन ये बुक होनी चाहिए भाई। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, ओनली बीएससी नर्सिंग की, तो आपको ये बुक जरूर 100% होनी चाहिए आपके पास, आपके मेज पे होनी चाहिए, जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां होनी चाहिए, और डेली 1-2 घंटे इस बुक को आपको पढ़ना है। जो भी इस बुक को मैं लास्ट में करा दूंगा, जितना हो सकेगा कराऊंगा इसको 2024 के लिए, लेकिन आपके पास अगर रहेगा ना तब मैं कराऊंगा तो मज़ा आ जाएगा और बेस्ट कर पाएंगे, लाइन टू लाइन दिखाऊंगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें आपको शेयर करूंगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर